नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। कोविड 19 के सर्वाधिक 28,700 मामले आए सामने। भारत में कोविड 19 का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं हर 24 घंटे के साथ रिकॉर्ड तोड़ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारत में 28,701 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संसद में संक्रमितों की कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट भारत में अभी भी 63.02% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है, साथ ही बताया है कि 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिले आंकड़ों के अनुसार कोविड 19 से 500 और लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद कुल मिलाकर जान गंवाने वालों की संख्या 23,174 हो गई है। वहीं लगातार चौथा दिन है जब देश में ज्यादा मामले सामने आए हैं। सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष के पद से किया गया बर्खास्त। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच जयपुर के फेयरमाउंट होटल में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल मिश्रा से मुलाकात करके सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री पद से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके समर्थक विधायक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाल ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले बैठक में मौजूदा 102 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की सर्वसम्मति से सचिन पायलट को पार्टी से हटाने की मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सचिन पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए थे, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट की घोषणा होगी कल। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट के बाद अब सभी छात्रों को 10वीं के रिजल्ट का इंतजार है, जिसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को बुधवार को घोषित करने के संकेत दिए हैं। सीबीएसई से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को 10वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही थी कि आज शायद सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, जिसके बाद ही सीबीएसई के अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक बयान दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी छात्रों से सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई के जनसंपर्क अधिकारी रमा शर्मा ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि मंगलवार को 10वीं बोर्ड के परिणाम नहीं जारी किए जाएंगे, बुधवार को परिणाम आने की संभावना ज्यादा है। इस हफ्ते भारत में संक्रमितों की संख्या 10,00,000 से हो जाएगी पार। उक्त दावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार कोविड 19 के प्रभाव को कम करने में पूरी तरीके से विफल रही है। हालात इतने खराब है कि इस हफ्ते देश में संक्रमितों की संख्या 10,00,000 के पार हो जाएगी। इसके तहत उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस हफ्ते हमारे देश में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा 10,00,000 को पार कर जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक और रिपोर्ट भी ट्वीट किया है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कोविड 19 की वजह से हालात और ज्यादा खराब होने वाली है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र से सवाल भी किया था, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ग्राफ भी साझा की थी, जिसमें अन्य देशों की तुलना में भारत की हालत बदतर बताई गई थी। जम्मू कश्मीर भ्रमण के लिए आज से बाहरी पर्यटकों को मिलेगी अनुमति। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण पर्यटन विभाग को भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, और यही कारण है कि देश के सभी पर्यटन स्थल अभी तक बंद चल रहे थे। वहीं अब कोविड 19 के इस माहौल में ही वापस से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन की कुछ व्यवस्थाओं को शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में दूसरे देशों के पर्यटकों के लिए पर्यटन क्षेत्र को आंशिक रूप से खोल दिया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। यानी कि आज से साफ तौर पर पर्यटक सिर्फ हवाई मार्ग से जम्मू कश्मीर जा सकेंगे। आदेश के मुताबिक पर्यटक के पास हवाई सेवा का पर्यटकों को हाउस बोट होटल के गेस्ट हाउस में रुकने की बुकिंग पहले से ही करवानी होगी। यहां पहुंचकर पहले बुकिंग की जांच की जाएगी। हवाई अड्डे पर बाहर आने से वाले पर्यटकों के सैंपल लिए जाएंगे। टेस्ट का नतीजा नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें होटल में ठहरने की अनुमति दी जाएगी। WHO ने कोविड 19 के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोविड 19 के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता जाहिर की है, क्योंकि कोविड 19 ने अब तक अपनी चपेट में 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों को ले लिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही WHO ने एक बार फिर से दुनिया के सभी देशों को चेतावनी दी है। संस्थान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बुनियादी बातों का पालन नहीं किया गया तो यह मुश्किल और ज्यादा बदतर हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार WHO प्रमुख ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि कई देशों में कोविड 19 से उपजे परेशानी कोविड 19 का दायरा बढ़ता जा रहा है, और इससे साफ है कि जरूरी सावधानियों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड 19 अभी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन दुनिया भर के कई सरकार से लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे ऐसा नहीं लगता कि वो इसे किसी भी रूप में गंभीर से ले रहे हैं। 30 सितंबर तक ITR का अधूरा काम पूरा करने की मिली मोहलत। ITR का पूरा काम
करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने उन करदाताओं को छूट दी है जिन्होंने आकलन वर्ष 2015-16 और 2019-20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए रिटर्न को अब तक सत्यापन नहीं किया है, जिसके तहत विभाग ने देर रात अधिसूचना जारी करके इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे लोग 30 सितंबर 2020 तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे करदाता हैं जो बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ही आयकर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से भर देते हैं, तो उन्हें उनका सत्यापन आधार, वन टाइम पासवर्ड या ई फाइलिंग खाते पर नेट बैंकिंग के जरिए या ITR अपलोड होने के 120 दिन के भीतर करना होता है। एयरटेल वोडाफोन आइडिया की सिम प्लान्स को ट्राई ने किया बंद। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते दिन भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कुछ प्लान को बंद कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इन प्लान में कस्टमर को ज्यादा डेटा स्पीड और प्रायोरिटी सर्विसेज का ऑफर दिया जा रहा था। ट्राई ने भारतीय एयरटेल के प्लानिंग और वोडाफोन आइडिया के रेडएक्स प्रीमियम प्लान को बंद कर दिया है, क्योंकि जियो के आ जाने के बाद से सस्ता और तेज डेटा देने के लिए हर टेलीकॉम कंपनियों के बीच में इस वक्त बढ़िया कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्राई का यह कदम वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार ट्राई की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इन प्लान का असर न सिर्फ बाकी यूजर को मिलेगा बल्कि क्वालिटी पर पड़ता है, बल्कि नेट न्यूट्रलिटी रूल्स बनाए रखना भी इसमें चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से किया इनकार। भारत में COVID-19 प्रभावितों का दायरा बढ़ता जा रहा है, स्थिति इतनी बेकाबू हो गई है कि अब यह आंकड़ा 9 लाख तक पहुंच गया है। वहीं लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि देश में संक्रमण का सामुदायिक प्रसार फिलहाल नहीं हुआ है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज की तारीख तक देश में कहीं भी COVID-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं देखने को मिला है, आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया हाउस की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि कुछ राज्य कह रहे हैं जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी शुरुआत के बारे में नहीं जानते, ऐसे में केंद्र सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन घोषित करने से पीछे क्यों हट रही है, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमने संक्रमण की स्थिति का जो आकलन किया है उसके हिसाब से हम हर बार इस सवाल का जवाब देने और जांच करने की कोशिश करते हैं और अंततः हमारे सामने जो परिणाम आता है वो यह है कि देश में कहीं भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन फिलहाल नहीं है। हालांकि उन्होंने लोकल ट्रांसमिशन की बात को माना है। ऑल इंडिया टॉपर बनी लखनऊ की दिव्यांशी। CBSE द्वारा सोमवार को 12वीं के रिजल्ट की घोषणा किए जाने के बाद लखनऊ की दिव्यांशी ऑल इंडिया टॉपर बनी है। स्कूल के सभी टीचर ने उसे बधाई दी है, साथ ही उनके साथियों ने भी उनके साथ सेल्फी ली है। अभिभावकों भी बेटी की इस सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें CBSE की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट में दिव्यांशी जैन ने 600 में से 600 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वो ऑल इंडिया टॉपर भी बन गई है। CBSE ने इस बार कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन दिव्यांशी 100% मार्क्स हासिल कर यह कामयाबी हासिल कर चुकी है। वहीं आर्ट्स की दिव्यांशी ने इतिहास में भी 100% अंक हासिल किया है। इतिहास के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल और अर्थशास्त्र समेत अन्य सब्जेक्ट में भी दिव्यांशी ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने पनीर मखनी बनाने के लिए YouTube की ली थी मदद। गूगल प्रमुख सुंदर पिचाई तकनीकी दुनिया के धुरंधरों में से एक माने जाते हैं, मगर दाल मखनी और पिज्जा बनाने के लिए उन्हें YouTube का सहारा लेना पड़ा, जिसका खुलासा उन्होंने खुद Google for India नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान किया है। उन्होंने बताया कि तकनीक का हमारी जिंदगी में काफी अहम स्थान हो गया है, अब यह बहुत जरूरी हो गया है। भले ही मेरी माँ हरी सब्जियों के दाम को लेकर होने वाले मोल भाव को याद करती है, मगर राशन की डिलीवरी ने सबका काम आसान कर दिया है। मोबाइल पर युवा सिर्फ एप्स को अपलोड ही नहीं करते हैं, बल्कि लोग ग्रामीण क्षेत्र में जीवन को आसान बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं। भारत में लगभग 500 से ज्यादा ऐसे YouTube चैनल संचालित हो रहे हैं जिनको लाखों फॉलोअर्स हैं। मैंने पिछले कुछ सप्ताह में इनमें से कुछ चैनलों का रुख किया था। मैंने इन चैनलों में पनीर मखनी और पिज्जा बनाने की विधि को सीखा है। भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर चीनी सामानों पर दिखने लगा है साफ साफ। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद चीन के सामान पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका असर अब धीरे धीरे करके दिखने लगा है। प्रतिबंधों के चलते स्मार्टफोन की बिक्री में हर सप्ताह 30 से 40% की गिरावट देखी जा रही है। स्मार्टफोन की अच्छी मांग होने के बावजूद आयात और निर्माण की दिक्कत के चलते बिक्री घट गई है। मिली जानकारी के अनुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से स्मार्टफोन के स्टॉक में कमी आ गई है। अभी परेशानी आगे भी रहेगी। इतना ही नहीं, एक एजेंसी ने अप्रैल जून में मोबाइल फोन की भारी कमी का अनुमान लगाया था। यह एजेंसी 1.60 करोड़ स्मार्टफोन का आयात करती है। काउंटर पॉइंट के मुताबिक जुलाई में पूरे महीने भर स्मार्टफोन की सप्लाई की दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि इनके पार्ट्स और शॉपिंग असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि चीन से आने वाले माल बंदरगाह पर कई दिनों तक अटके रहते हैं। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से किया दरकिनार। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से दूर कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान चीन के साथ 4 अन्य परियोजना का बड़ा समझौता करने जा रहा है। ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट को लेकर समझौता होने के 4 साल बाद भारत द्वारा इस परियोजना के लिए फंड नहीं दिए जाने की बात कहते हुए भारत को इस परियोजना से हटा दिया है और कहा है कि वो खुद इसे पूरा करेगा, जिसके बाद भारत को कूटनीतिक स्तर पर करारा झटका लगा है, जिसको लेकर
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत को चाबहार पोर्ट से हटा दिया गया है। यह मोदी सरकार की कूटनीति है जिसने काम नहीं होने पर भी वाहवाही बटोरी है, लेकिन चीन ने चुपचाप काम किया है, उन्हें बेहतर डील मिली है। भारत के लिए यह बड़ा नुकसान है, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चाबहार पोर्ट का काम मार्च 2022 में पूरा होना था। फिल्म 83 होगी थिएटर में रिलीज। अभिनेता ताहिर राज भसीन की फिल्म 83 में क्रिकेटर सुनील गावस्कर का किरदार निभा रहे हैं। उनकी अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने बताया है कि क्योंकि उनकी फिल्म ऑनलाइन नहीं बल्कि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, इसलिए वो बहुत खुश है। ये फिल्म कपिल देव के जीवन पर बनी है। इस फिल्म में मुख्य किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं। हालांकि अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, मगर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण इसका रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म रिलीज होने पर भसीन से जब पूछा गया कि क्या इंतजार निराशाजनक था, उन्होंने कहा कि वास्तव में नहीं, क्योंकि यह एक पीरियड फिल्म है और एक ऐसी नहीं जो समय के साथ असर डालेगी। यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक कहानी है, इसलिए जब भी आएगी तो बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। मुझे काम करके अच्छा लगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 83 को कबीर खान ने निर्देशित किया है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने पहली बार लिखा इमोशनल पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उनके जाने से ठीक एक महीने बाद अपने सोशल मीडिया से एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसके तहत उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने कई बातें भी लिखी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले अपने घर में अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनके इस कदम से उबर नहीं पाए हैं। हालांकि पुलिस को उनके पास से कोई नोट नहीं मिला था, वहीं सुशांत के इस कदम के पीछे की सारी वजह पुलिस खंगालने में लगी हुई है। सुशांत के जाने की खबर सामने आने के बाद रिया ने अपने इंस्टाग्राम से सुशांत के साथ की तस्वीर हटा दी थी, मगर अब आज सुशांत के जाने के बाद ठीक एक महीने बाद रिया ने पहली बार उनसे संबंधित एक पोस्ट शेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भारत में कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के नहीं होने की बात से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।